हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज फिर से मैं आपके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ फंक्शन यूजिंग के मैप। यानी के मैप के थ्रू हम अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी उसे छोटा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मेन टर्म और मैक्स टर्म का मतलब क्या होता है और फंक्शन को कैसे हम लोग लिखते हैं ट्रुथ टेबल से। अब आगे हम लोग कोई भी आपके सामने एक फंक्शन गिवन रहेगा, उसको आपको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग के मैप। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हम लोगों ने देखी थी, एसओपी एंड पीओएस, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट के फंक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देन हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पीओएस यानी प्रोडक्ट ऑफ सम के फंक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। कुछ रूल्स हैं जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको रीड कर लेते हैं पहले और इसके बाद हम लोग प्रोसेस शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने लिखा है रूल्स फॉर की मैप सिंप्लीफिकेशन। ग्रुप मे कंटेन, मे ग्रुप मे नॉट कंटेन जीरो, ये मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट का। अगर पीओएस की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग जीरो नहीं, वहां पर वन की बात करेंगे। ठीक है ना, यहां पर क्या करते हैं, एसओपी में वन वाले जगह को काउंट करते हैं। कैसे करते हैं वो हम लोग यहां देखेंगे। वी कैन ग्रुप 1, 2, 4, 8 मैक्सिमम 2 का पावर n। हमने डिस्कस किया था कि अगर दो वेरिएबल हैं तो उससे 4 बन सकता है 2 का पावर 2। 3 वेरिएबल्स हैं तो उससे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 का पावर 3, यानी कि 8 कॉम्बिनेशन। अगर 4 वेरिएबल है तो 2 का पावर 4, यानी कि 16 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं बॉक्स बना के दिखाता हूँ किस तरह से बॉक्स बनता है, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल का। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इस बुलियन फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन के मैप के थ्रू आता ही आता है, जो कि इस बार भी आएगा, वो एसओपी हो सकता है या पीओएस हो सकता है। तो इस वीडियो के बाद आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग, पहले 2 का पावर 2, यानी अगर 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो कितने बॉक्सेस बनेंगे और कैसे बनेंगे। देखिए, बॉक्स बनाने का तरीका क्या है, अगर 2 वेरिएबल है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए एफ एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा, क्या लिखते हैं हम लोग यहां पे, स्मॉल से m0 और m2, क्योंकि क्या हो सकता है 2 का पावर 2 से, यानी 2 वेरिएबल से मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0, 1, 2 और 3, ये 4 ही हो सकता है। तो ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, m0 और m2। अब मान लीजिए इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि m0 m2 यानी कि 0 0 यानी कि x y प्लस अब ये क्या है 2 यानी कि 1 0 यानी कि एक्स वाई नॉट, यानी क्या हो गया 1 0। ठीक है ना, तो ये आपका फंक्शन है, ये हो गया आपका एक्स नॉट वाई नॉट यानी 0 0 हो गया, और ये हो गया एक्स वाई नॉट यानी 1 0 हो गया, यानी एम टू यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ये 0 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये फंक्शन आपके पास अवेलेबल है, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है के मैप के थ्रू। तो देखिए 2 वेरिएबल का कैसे बॉक्स बनाएंगे, पहले तो 2 का पावर 2 यानी कितने बॉक्सेस बनेंगे 2 वेरिएबल में, 4 बॉक्स बनेंगे, ये याद कर लीजिएगा। तो बॉक्स बनाने का तरीका देख लीजिए, 4 बॉक्सेस बना दिए हमने, ठीक है, यहां पे ऐसे करके आप एक्स और वाई लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं उसी तरह से यहां प्लॉट कर देना है, क्या हो सकता है 0 1 और 0 1, यही हो सकता है यहां पे। तो देखिए ये बॉक्स क्या हो गया, ये हो गया 0 0, ये हो गया 0 1 और ये हो गया 1 0, देखिए 1 0 और ये हो गया 1 1, ठीक है। तो 2 वेरिएबल का अगर आपसे क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो आप इस तरह से पहले ग्राफ प्लॉट कर दीजिएगा, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने का मतलब ये देखिए हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। तो देखिए यहां पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 का बॉक्स है और ये 3 का बॉक्स है, क्लियर है।
तो इस तरह से आप बॉक्स बना लीजिएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, जहां कहीं भी यहाँ पे वैल्यू 1 है, एसओपी की बात कर रहे हैं, तो जिसका वैल्यू 1 रहता है वही यहाँ पे लिखा जाता है मेन टर्म में या फिर इस फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ 1 करना है हमें, इस 0 पे और 2 पे। तो देखिए हमने 0 पे 1 कर दिया और 2 पे 1 कर दिया, ठीक है। इतना काम करना है, यानी क्या करना है, अगर 2 का 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो इस तरह से एक 4 का बॉक्स बना लेना है आपको। कैसे करना है, x और y, यानी यहाँ पे x दिखा रहे हैं, इधर आप y दिखा रहे हैं, ये 0 1, इधर 0 1, तो ये हो गया 0 0, ये हो गया 0 1, ये हो गया 1 0, ये हो गया 1 1। और उसके बाद क्या करना है आपको, प्लेस कर देना है 1 जहां कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आपने प्लेस कर दिया 1, ठीक है। तो पहला काम तो इतना हो गया, आप प्लेस कर दीजिएगा 1 को। और इसके बाद क्या करना है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले देखते हैं कि कैसे प्लेस करते हैं। तो 2 वेरिएबल मैंने बताया, मान लीजिए अब आपके पास 3 वेरिएबल हैं, तब क्या करेंगे हम लोग, पहले बॉक्स बनाना सीख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे सिंपलीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया 2 वेरिएबल का, अब बात करते हैं 3 वेरिएबल का। देखिए 3 वेरिएबल रहेगा तो क्या होगा, 3 वेरिएबल है मान लीजिए एक्स वाई और जेड, ठीक है, x, y और z है, और इसमें आपको लिखा हुआ है मान लीजिए 0 1 3 5, ठीक है, 0 1 3 5, ये इस टर्म में भी लिखा रख सकता है और x, y, z के फॉर्म में भी लिखा रह सकता है। ये क्या हो गया, x नॉट y नॉट z नॉट प्लस x नॉट y नॉट z, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन और इस फॉर्म में भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन। तो आप इसको क्या करेंगे, देखिए 3 वेरिएबल है तो बॉक्स कितना बनेगा, 2 का पावर 3, यानी कि 8, तो 8 बॉक्स देखिए कैसे बनेगा, 2 का पावर 3 अब हो गया, तो अब देखिए बॉक्स जो बनाना है वो इस तरह से बनेगा। हो गया 8 बॉक्स, उसी तरीके से इधर x हो जाएगा और इस एक्सिस पर आप y z दिखा दीजिए। कैसे दिखाना है, यहां 2 है रो, तो 0 1, यहां पे क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 1, ये याद रख लीजिएगा अच्छे से कि यहां पर देखिए मैंने 0 0 लिखा है यानी 0, यहां 0 1 मतलब 1, यहां पे मैंने 1 0 लिखा है 0 0 0 1 0 1 2 और 3 आना चाहिए, यानी यहां पे 1 होगा और यहां पर होगा 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा हमेशा, ये 0 1 2 3 मैंने लाइन से इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये रूल है और इस रूल को हम लोग कहते हैं ग्रे कोड, यानी एक बार में एक ही एलिमेंट एक ही वेरिएबल चेंज होता है। बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है आपको, फिर भी मैं समझा देता हूँ। वैसे ये आप याद कर लीजिएगा कि आपको जो बॉक्सेस बनाने हैं वो सेम बॉक्स बनेगा सब में, क्या लिखना है 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, यही लिखना है आपको। आपने सीरियल में क्यों नहीं लिखा, ये अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप बताइएगा, इसका रीजन है ग्रे कोड। ग्रे कोड कहता है कि एक बार में एक ही वेरिएबल चेंज होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ 0 0 था, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ 0 1, यानी ये वाला वेरिएबल चेंज हो गया, 0 से क्या हो गया 1 हो गया, दिख रहा है। तो आप दूसरी बार में क्योंकि ये चेंज हो चुका है तो अब ये वेरिएबल चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने इस 1 को एज इट इज लिखा। अब चेंज क्या होगा, ये 0 1 होगा, इसलिए यहाँ पे 1 1 हो गया, क्लियर है। अब देखो ये वेरिएबल चेंज हो चुका है 1, ये वाला, तो अब ये वाला चेंज होगा, यानी ये 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए अब 1 0 हो गया। तो ये रूल है लिखने का, ग्रे कोड, जिसको हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, के मैप में फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको बॉक्स याद कर लेना है कि कहाँ पे 0 और कहाँ पे 1 लिखाएगा, ठीक है ना। तो 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ये याद कर लीजिएगा, तो इससे आपको पता लग जाएगा किस नंबर का क्या बॉक्स है। 2 का पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8, इसलिए हमने 8 बॉक्स बनाया। 8 का मतलब कहां से कहां तक, 0 से लेके 7 तक, तो देखिए 0 से लेके 7 तक का बॉक्स बना, यानी 8 बॉक्स बने हुए हैं। तो अब देखिए 0 0 0 कितना हो गया 0, 0 0 1 1 0 1 1 3 0 1 0 2 1 0 0 4 1 0 1 5 1 1 1 7 1 1 0 6। तो ये प्लेसमेंट खाली आप ध्यान रखिएगा तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। प्लेसमेंट में अगर गड़बड़ी होती है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है।
गलत होगा ही, इसलिए आप प्लेसमेंट को एकदम सही रखिएगा। पहला कि ये नंबरिंग सही कीजिएगा जिससे कि बॉक्स सही आए, ताकि आप वन को प्लेस करें तो वो सही जगह प्लेस हो। जब सही जगह प्लेस होगा तो आगे क्वेश्चन भी आपका सही तरीके से सॉल्व हो पाएगा। तो ये हो गया प्लेसमेंट का तरीका। अब देखिए कहाँ कहाँ प्लेस करना है वो देख लीजिए। देखिए क्या प्लेस करना है, देखिए जीरो प्लेस करना है, यानी यहाँ पे वन रहे, फिर वन पर वन है, फिर थ्री पर वन है, फिर फाइव पर वन है। तो ये हो गया आपका प्लेसमेंट के मैथ में, ठीक है ना। ये प्लेसमेंट हो गया, अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे फिर हम लोग आगे देखेंगे। एक और ब्लॉक बनाते हैं हम लोग चार वेरिएबल का, यानी फोर वेरिएबल का। अधिकतर क्वेश्चन आपके जो आते हैं वो फोर वेरिएबल के ही आते हैं, तो थ्री वेरिएबल का बॉक्स उम्मीद है समझ में आया होगा। फोर वेरिएबल का बॉक्स कैसे बनेगा वो देख लीजिए। फोर वेरिएबल का बॉक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, F, W, X, Y और Z, चार वेरिएबल है, ऑब्वियस सा बात है। इक्वल टू मान लेते हैं आपके पास सिग्मा में वैल्यूज है 0, 1, 3, कहां तक जा सकता है फोर वेरिएबल का, ठीक है। यानी 2 का पावर 4 कितना हो गया 16, 16 का मतलब 0 से लेके 15 तक जा सकता है, 0 से 15 तक, यानी 0, 1, 3 मान लेते हैं 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया और 15 हो गया। ये क्वेश्चन मान लीजिए आया है आपके सामने और इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो क्या करेंगे हम लोग, तो बॉक्स बनाएंगे जिसमें कि 16 बॉक्स रहेंगे। तो कैसे बनेगा बॉक्स देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने 16 बॉक्स अवेलेबल है, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, जहां पर 0 से लेकर 15 तक की वैल्यू को हम रख सकते हैं। अब प्लेसमेंट कैसे होगा, ग्रे कोड को ध्यान रखिएगा हमेशा। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स और यहां हो जाएगा वाई जेड, ठीक है ना। प्लेसमेंट कैसे होगा, देखो 0, 0, 0, 1, फिर क्या होता है 1, 1 और फिर 1, 0, क्यों, ग्रे कोड की वजह से। फिर से 0, 0, 0, 1, 1, 1 और 1, 0, ठीक है। तो ये हो गया प्लेसमेंट। इतना काम होने के बाद आप खाली प्लेस कर दीजिए। अगर मैं बॉक्सेस का नाम लिख दूं तो ये किसका बॉक्स है, ये 0 का बॉक्स हो गया, ये किसका बॉक्स है, ये 1 का बॉक्स है, ये किसका बॉक्स है, ये 3 का बॉक्स है, ये किसका बॉक्स है, ये 2 का बॉक्स है। देखो 0, 0, 1, 0, तो अगर इसका आप डेसिमल निकालेंगे तो ये 2 का ये बाइनरी जो है वो 2 का इस बाइनरी का 2 डेसिमल नंबर होगा। तो 0, 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद देखो 0, 1, इसको याद नहीं करना है आपसे, कन्वर्जन कर लीजिए। देखिए 0, 1, 0, 0 का मतलब होता है 4, फिर 0, 1, 0, 1, ठीक है, यानी 1, 0, 1 यानी 5, ठीक है, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। और यहां आप देखेंगे 4, 5, 6, 7 हो गया, आप देखिए 1, 1, 0, 0, 1, 2, 4, 8, 8, 4, 12, यानी कि ये 12 का है, ठीक है। तो 12 ये 13 का हो गया, ये 14 है, ये 15 है, ठीक है ना। ये हो गया 7, 8, 9 और 10, ठीक है। ये मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इस बाइनरी का कन्वर्जन करके लिख दिया। ये किसका बॉक्स है, 1, 0, 0, 0, 1000 का बॉक्स है। तो 1000 मतलब 1, 2, 4, 6, 0, 0, 0, 1, 1 मिनट, यहां शायद गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं। देखिए यहां पे 7 मैंने लिखा था, यहां पे 8 होगा, 7 तो यहां आ गया, क्योंकि 1000 का मतलब क्या हो गया 8, 9, 10 और 11, ठीक है। लास्ट टाइम गलत हो रहा था हम लोग का, देख लीजिए 1000 किसका बाइनरी हो गया 8 का, 1001 अगर इसका आप लोग डेसिमल निकालेंगे तो ये 9 का है, 1011 अगर आप डेसिमल निकालेंगे तो ये 11 का है, और 1010 10 का डेसिमल होता है, इसलिए मैंने वहां पे 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये बॉक्स आप लोग बना सकते हैं, ध्यान से बॉक्स देख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये ऊपर नीचे क्यों हुआ, ग्रे कोड की वजह से, क्यों, क्योंकि यहां पे हम लोग क्या करते हैं,
00011110 लिखते हैं, 1011 नहीं लिखते हैं। तो ये सीक्वेंस जरूर ध्यान दे लीजिएगा और इस तरह से आप प्लेसमेंट कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सही हो सकता है। अब देखिए कहाँ कहाँ वन रखना है हमें, क्योंकि एसओपी की बात कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ वन रखना है हमें, जीरो पे, वन पे, थ्री पे, सिक्स पे, सेवन पे। तो जीरो पे रख लेते हैं, वन पे रख लेते हैं, थ्री पे रख लेते हैं, सिक्स पर रख लेते हैं, सेवन पर रख लेते हैं, नाइन पे रख लेते हैं, वन इलेवन पर, फोर्टीन पर और 15 पर। बहुत ध्यान से आपको वन का प्लेसमेंट करना है, इस तरह से आप वन का प्लेसमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने बताया अभी आपको दो वेरिएबल का, तीन वेरिएबल का और चार वेरिएबल का बॉक्स कैसे बनता है और प्लेसमेंट कैसे होता है, ठीक है। इतना होने के बाद अब क्या करना है आपको, इतना काम तो हो गया आपका, बॉक्स बना लिया आपने और प्लेसमेंट कर लिया, अब आपको करना है ग्रुपिंग, ठीक है। अब ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, हमें कॉमन खोजना है, हमें क्या करना है, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके के मैप के थ्रू सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने में हम क्या करेंगे, अब इसमें हम कॉमन खोजेंगे, दो वेरिएबल वही करेंगे, तीन में भी वही करेंगे और चार में वही करेंगे, क्वेश्चन सामने है इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, अगर आप यहां पे देखिए तो ये वाई जेड है, ध्यान से देख लो क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी है। देखिए वाई जेड है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाई नॉट जेड नॉट, जीरो है इसलिए मैंने लिखा, ये क्या है वाई नॉट जेड, ये है वाई जेड और ये क्या है वाई जेड नॉट, क्लियर है। यहां देख लीजिए ये क्या है डब्ल्यू नॉट जेड नॉट, ये क्या है डब्ल्यू नॉट जेड, ये है डब्ल्यू जेड और ये है डब्ल्यू जेड नॉट, क्लियर है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। वन है तो मैंने एक्चुअल वेरिएबल लिखा है और अगर जीरो है तो उसका कॉम्प्लीमेंट यानी नॉट लिखा है। तो ये चूंकि जेड डब्ल्यू एक्स है, मैंने यहां पे जेड लिख दिया, ध्यान रखिएगा एक्स है, यहां भी एक्स होगा, यहां भी एक्स होगा और यहां भी एक्स होगा, ठीक है ना। तो डब्ल्यू एक्स नॉट, देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, चार वेरिएबल था, दो यहां वेरिएबल है, दो ऊपर वेरिएबल है और इन चारों वेरिएबल से मिलकर ही आपका ये बॉक्सेस तैयार हुए हैं। अब क्या मैंने कहा आपको बनाना है क्वाड या पेयर, तो तीन चीजें यहां बन सकती हैं कॉमन खोजने के लिए, वो मैं लिख देता हूं। देखिए यहां पे ये आप पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के लिखता हूं क्या हो सकता है, क्या करना है हम लोगों को अब इसके बनाने हैं, इसमें कॉमन खोजना है हमें। तो कॉमन खोजने के लिए पहला चीज होता है पेयर, सेकंड हो गया क्वाड एंड थर्ड हो गया ऑक्टेट। तो जितना बड़ा, ऑक्टेट का मतलब आठ, क्वाड का मतलब चार और पेयर का मतलब दो, तो जितना बड़ा बने उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है ना। तो हम खोजते हैं कि क्या बन सकता है इसमें, तो देखिए ध्यान से यहां पे ऑक्टेट बन सकता है क्या, कैसे बनेगा, अगल बगल की वैल्यू, ऊपर नीचे की वैल्यू, डायगोनल कभी कुछ नहीं बनता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले आप कैसा बना सकते हैं पेयर, आप बना सकते हैं अगल बगल की वैल्यू। तो देखिए यहां पे, यहां लाइन से अगर आप देखें तो यहां नहीं है, तो तीन नहीं बन सकता, क्या क्या बन सकता है, पेयर, क्वाड या ऑक्टेट। ऑक्टेट के लिए आठ चाहिए सीरीज में, देखिए आठ सीरीज में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, देखिए गैप है यहां पे, यहां पे नहीं है इसलिए गैप है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो सकता है, सिर्फ बन सकता है ऑक्टेट, नहीं बन सकता क्वाड, बन सकता है क्या, चार कहीं सीरीज में है क्या, ऊपर नीचे अगल बगल देख लीजिए, यहां पे आप देखेंगे वन वन है, वन है, यहां नहीं है, यहां होता तो क्या बन जाता, बन जाता आपका ऑक्टेट, ठीक है, क्वाड बन जाता आपका, चार का बन जाता, ठीक है ना। इसको मैं एक एग्जांपल देके आपको दिखाता हूं, पहले क्वेश्चन हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे अगर एक और रहता तो ये हम बना लेते, क्या हो जाता, अगर यहां पे वन रहता तो क्या बन जाता, ये क्वाड बन जाता, ठीक है ना। अगर सिर्फ दो जगह है, मान लेते हैं जैसे ये है, देखिए अगल बगल है, तो यहां पे क्या बन गया, ये पेयर बन गया, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड पेयर, ठीक है।
क्वाड, जहां पे चार मिला वहां पे क्वाड, और जहां आठ मिलेगा वहां पे ऑक्टेट बनेगा। जैसे मान लेते यहां पे भी वन होता तो ये क्या बन जाता, ध्यान से देखिए, ये बन जाता चारों मिलके ऑक्टेट। देखो यहां पे पेयर, क्वाड और ऑक्टेट, ये तीन चीजें यहां बन सकती हैं। अब कोई सिंगल वन छूट जाएगा तो वो सिंगल आप डिटेल लिख देंगे उसका, ठीक है ना। और यहां पर एक और चीज हो सकता है जिसे रोल ओवर कहते हैं, ठीक है। रोल ओवर का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये यहां पर और इस तरफ दोनों तरफ हो, जैसे पेपर रोल करते हैं तो मिल जाता है, ऐसे मिलने पर अगर एक हो रहा है तो उसको भी अगल बगल मानेंगे और उसका भी पेयर या क्वाड या ऑक्टेट बना सकते हैं। जैसे पहले पेयर की बात करें तो ये और ये है दोनों, मान लेते हैं ये दोनों नहीं होता। जैसे यहां एग्जांपल लेते हैं, देखिए वन यहां पे है और यहां पे वन होता अगर, तो ये हम कुछ इस तरीके से बना सकते थे, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका पेयर, ठीक है, कैसे, ओवरलैपिंग के थ्रू, ठीक है ना। ओवरलैपिंग या रोल ओवर के थ्रू कह सकते हैं, ओवरलैपिंग मतलब जो यूज हो चुका, ओवरलैपिंग इसे कहेंगे क्योंकि देखिए ऑक्टेट में था और हमने क्या किया, सिंगल बच रहा था यहां पे, तो हमने इसको कवर करने के लिए इसके साथ ओवरलैप कर दिया और पेयर बना दिया। तो ये काम भी कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, ओवरलैप भी कर सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं, रोल ओवर कर सकते हैं। रोल ओवर का मतलब क्या हुआ, रोल ओवर का मतलब देखिए यहाँ पे इसको और इसको, यानी ऐसे अगर फोल्ड करेंगे तो दोनों मिल जाएंगे, इसलिए हमने इसको भी पेयर बना दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद ये हो गया, अब ऊपर नीचे का अगर मिलता है तो भी हम बना सकते हैं। जैसे ये वन है यहां वन होता तो हम क्या कर सकते थे, इसको और इसको भी हम एक पेयर कह सकते हैं, ठीक है। बनाने के बाद क्या करना है बताता हूं, अभी फिलहाल देख लीजिए कैसे आपको पहले बनाना है क्वाड, ऑक्टेट या पेयर, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक बार अगर वन बन चुका है कोई तो दोबारा उसको नहीं बनाना है। जैसे अब ये बन चुका है वन ऊपर के साथ, तो फिर ये नहीं करना है कि इसके साथ भी आप बना लें, जितना कम से कम पेयर क्वाड ऑक्टेट बने वो बेटर रहता है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि एक पेयर क्वाड या ऑक्टेट के लिए एक एक्सप्रेशन मिलने वाला है आगे चल के, और जितना कम एक्सप्रेशन रहेगा वही सिंप्लीफाइड वर्जन होगा, ठीक है। तो जो वन कवर हो गया है आपको दोबारा उसके लिए पेयर क्वाड या ऑक्टेट नहीं बनाना है। तो ऐसे ऊपर बना सकते हैं, ऊपर नीचे, अगल बगल और चारों कॉर्नर भी बन सकते हैं। मान लीजिए यहां वन है, यहां वन है, यहां वन है और यहां वन है, तो ये चारों क्या बन सकते हैं, क्वाड। क्यों क्वाड बना, क्योंकि चार है तो इस तरह से भी क्वाड बन सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी मैंने पेयर क्वाड और ऑक्टेट का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पेयर क्वाड या ऑक्टेट पहले बना लीजिएगा, ठीक है। जहां भी आपको वन मिले किसी वन को छोड़ना नहीं है, सबसे पहले कोशिश करना है ऑक्टेट बन जाए, नहीं बनता है तो क्वाड बनाइए, नहीं बनता है तो पेयर बनाइए, और कुछ नहीं है तो आप उसको सिंगल एज इट इज लिख देंगे वेरिएबल्स के फॉर्म में, ठीक है ना। अब देखिए जब बन जाएगा तो उसके बाद कैसे उसको वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है, तो आपको कॉमन खोजना है, ठीक है ना। तो देखिए बताता हूं मैं आपको, देख लेते हैं, पहले एक लेके देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए जैसे सिंगल पेयर लेके देखते हैं, देखिए ये पेयर है आपका, ठीक है, दिख रहा है ये पेयर। इसको अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखने के लिए कॉमन देखिए, यानी दोनों में कॉमन क्या है, तो यहां से देखिए और ऊपर से देखिए, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो देखिए W दोनों में है क्या, एक एक वेरिएबल देख लीजिए, आसानी हो जाएगी आपको। W दोनों में है क्या, तो आप देखेंगे यस W दोनों में है, तो आप यहां लिख लीजिए W। उसके बाद देखिए X नॉट दोनों में है क्या, ऑब्वियस सा बात है X नॉट दोनों में है, तो W X नॉट, ठीक है। और उसके बाद ऊपर देखिए Y नॉट दोनों में है क्या, नहीं, देखिए वाई नॉट और यहाँ पे वाई है, इस वन में वाई नॉट है, इस वन में वाई है, तो डिफर हो गया, तो इसको नहीं लिखना है। इसके बाद देखिए जेड, देखिए जेड इस वन के लिए भी है, जेड इस वन के लिए भी कॉमन है, तो फिर से इसको लिख देना है। तो इस पेयर के लिए क्या एक्सप्रेशन हो गया, डब्ल्यू एक्स नॉट जेड, क्लियर है। तो बस इतना ही काम करना है, ये फाइनल आंसर है आपका, यानी कि यहां और यहां वन है तो वो सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा, डब्ल्यू एक्स नॉट जेड। अगर ये दोनों अलग अलग वन है तो अगर खाली इस वन को बताना है हमें तो क्या लिखना पड़ेगा, हमें देखिए लिखना पड़ेगा W X नॉट Y नॉट Z। ये क्या चीज है, यही तो है, देखो ध्यान से यहां पे, ये क्या है W X नॉट Y नॉट और Z,
यही तो एक्सप्रेशन है, ये था इसलिए तो हमने यहां पे वन लिखा था। और इसके बाद ये क्या था, ये यानी w प्लस w x नॉट, देख लो ध्यान से यहां पे, इसको यहां पे लिख देते हैं फिर से ऊपर, यहां पे देखो इस वन को सिंगल जो एंटिटी है इसको लिखना होगा, क्या होगा ये w x नॉट और ऊपर y नॉट और z, ये हो गया। और ये वाला वन क्या था आपका, ये देख लीजिए ध्यान से, w x नॉट y z प्लस w x नॉट y z, ठीक है। तो ये वन और ये वन के लिए ये एक्सप्रेशन था, ठीक है। अब जब हमने इसको पेयर बना लिया तो क्या निकल के आया, इसकी जगह पे w x नॉट z, ठीक है, तो ये इसके इक्विवेलेंट है। तो यानी ये बड़ा सा एक्सप्रेशन देखो सिंप्लीफाई होकर हम क्या कह सकते हैं, w x नॉट z, तो w x नॉट z है तो वहां पे 1 लिखेंगे। तो देखो w x नॉट z यहां भी है और w x नॉट z यहां भी है और कहीं नहीं है, ध्यान रखना w x नॉट z, तो ये हो जाएगा। भले y की वैल्यू y रहे या y नॉट रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो w x नॉट z और w x नॉट z दो जगह है, यानी दोनों जगह 1 बैठ जाएगा यहां, ठीक है। तो इस बड़े एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन ये है, क्लियर है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वाड की ओर। तो देखो ये चार मिल रहे हैं, तो ये हमने क्या बना दिया, चारों मिलके क्वाड बना दिया। तो क्वाड में कैसे देखेंगे कॉमन, क्वाड में कॉमन देखना है आपको, तो देखिए क्वाड में कॉमन देखना है आपको, तो क्वाड में कॉमन देखते हैं हम। देखो क्वाड में कॉमन कैसे दिखता है, क्वाड का कॉमन हो जाएगा यहां देखो w नॉट x नॉट, क्लियर है, सब में है w नॉट x नॉट, क्लियर। लेकिन ऊपर देखो यहां पे y नॉट है लेकिन यहां पे तो y हो गया तो नहीं होगा, यहां पे z नॉट है यहां z हो गया नहीं होगा, तो सारे वेरिएबल्स चेंज है ऊपर वाले, लेकिन ये दोनों कॉमन है, क्या कॉमन है W नॉट X नॉट। तो क्वाड के लिए क्या मिलेगा, W नॉट और X नॉट, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, यहां पे कितना वेरिएबल मिला, दो वेरिएबल। पेयर के लिए कितना वेरिएबल मिला था हमें, तीन वेरिएबल, W X नॉट Z, तीन वेरिएबल। तो ये ध्यान रखिएगा अगर पेयर रहेगा तो तीन वेरिएबल मिलेगा आपको कॉमन, पेयर के केस में तीन वेरिएबल कॉमन मिलेगा, क्वाड के केस में दो वेरिएबल कॉमन मिलेगा और ऑक्टेट के केस में वन वेरिएबल कॉमन मिलेगा, ठीक है ना। तो क्वाड हमारा एक बना हुआ था, ये इसमें कॉमन था w x नॉट। अब देखो मान लो कि ये हमारा एक और क्वाड होता, ये वाला मान लेते एक क्वाड होता, ठीक है, तो इसमें देखो कॉमन क्या होगा, देखो यहां चेंज हो रहा है w नॉट है यहां के लिए तो भाई w हो गया, यहां x नॉट है यहां x हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा कॉमन ऊपर मिलेगा, देखिए y नॉट z नॉट सब में, तो इस क्वाड के लिए कॉमन क्या हो गया y नॉट यानी प्लस y नॉट z नॉट, क्लियर है। इसके बाद यानी क्वाड हो गया पेयर हो गया, अब ऑक्टेट देखते हैं। देखो एक ऑक्टेट बनाया था हमने, मान लेते हैं ये ऑक्टेट है, ठीक है, सब में वन है चारों में वन है, आठ चार इधर आठ वन है। तो ऑक्टेट में देखते हैं क्या हो रहा है, कौन वेरिएबल खोजते हैं, देखिए यहां देखिए w नॉट w नॉट w w गड़बड़ हो गया, x नॉट x x x नॉट ये भी गड़बड़ हो गया, किसी में x है किसी में x नॉट है। तो यहां देखते हैं, देखिए y और y ये दोनों अगर आप देख पा रहे हैं तो ये दोनों में y है, z z नॉट हो गया, यानी जितना वेरिएबल मिल रहा है कॉमन एक वेरिएबल y, तो यहां मैंने बताया था ऑक्टेट में एक वेरिएबल मिलेगा, यानी क्या लिखेंगे प्लस y, क्लियर है। तो इस तरह से आपको पेयर क्वाड और ऑक्टेट बनाना है और कॉमन खोज के आपको लिख देना है और यही आपका फाइनल आंसर होगा, सिंप्लीफाइड आंसर, क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं एसओपी का, ये ध्यान रखिएगा, पीओएस की बात नहीं कर रहे हैं, एसओपी की बात कर रहे हैं हमेशा, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से लिख देना है। चलिए एक और फाइनल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके आप बनाइएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 0 1 3 5 6 9, ठीक है, इतना ही दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहां पे आपको एक तो फटाक से क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको, जल्दी जल्दी बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बॉक्स तो रेडीमेड है,
फिक्स है कि बॉक्स कैसे बनेगा और बॉक्स में क्या क्या चीजें होंगी। डब्ल्यू एक्स वाई जेड है तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिख दीजिए फटाफट, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0, इतना लिख दीजिए फटाफट। इसके बाद लिख दीजिए ये डब्ल्यू नॉट एक्स नॉट, डब्ल्यू नॉट एक्स, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स नॉट, वाई नॉट जेड नॉट, वाई नॉट जेड, वाई जेड, वाई जेड नॉट, इतना लिख दिया आपने, ठीक है। अब देखिए कहां कहां वन बैठाना है, जीरो पर वन पर, तो जीरो पर बैठा दिया वन, वन पर बैठा दीजिए वन, ये किसका बॉक्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये फटाफट इस तरह से लिख लीजिएगा तो आपको करना आसान हो जाएगा। देखिए जीरो पे वन बैठा दिया, वन पे वन बैठा दीजिए, थ्री पे वन बैठा दीजिए, फाइव पर वन बैठा दीजिए, सिक्स पर वन बैठा दीजिए और नाइन पर वन बैठा दीजिए, सिक्स के बाद नाइन पर वन बैठा दीजिए, ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं यहां पे हम लोग, सेवन भी कर लेते हैं, यहां पे सेवन भी ऐड कर दीजिए तो कुछ क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। सेवन पर मैंने वन बैठा दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहां क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये बन गया, ये क्वेश्चन था आपके सामने, सिंप्लीफाई करना था के मैप से, तो इस तरह से बॉक्स बनाइए और वन बैठा दीजिए सारा। अब बनाइए इसका क्वाड ऑक्टेट या पेयर जो बन सके, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, क्या बनेगा देख लीजिए ध्यान से आप। सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पे चार वन है, ऑक्टेट तो कहीं दिख नहीं रहा लाइन से लगातार, तो हम बना सकते हैं चार वन का एक क्वाड बन गया। और क्या वन वन बच रहा है, देखो एक वन यहां बच रहा है, एक वन यहां बच रहा है, एक वन यहां बच रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों को मिलाकर ओवरलैप कर लेते हैं, तो ये वन कवर हो गया, एक पेयर बन गया, इसको मिला के इसको ओवरलैप कर देते हैं तो ये पेयर बन गया, ठीक है। और देखो एक यहां बचा एक ऊपर बचा, तो कर सकते हैं ओवरलैप, एक ये एक ये, ये मिला क्या बन गया, एक और पेयर बन गया, यानी पेयर वन, पेयर टू और पेयर थ्री एंड क्वाड वन। तो आपको आंसर क्या कैसे करना है, तो क्वाड वन की वैल्यू लिख लीजिए पहले, क्वाड वन की वैल्यू क्या आएगी, तो क्वाड में कॉमन देख लीजिए क्या होगा, तो देखिए कॉमन डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट दोनों कॉमन है, एक्स तो नहीं है तो डब्ल्यू नॉट कॉमन हो जाएगा, जो आए लिख दीजिए डब्ल्यू नॉट, और ऊपर देखेंगे तो जेड दोनों में कॉमन है, वाई नहीं है, वाई वाई नॉट है तो जेड हो जाएगा, यानी डब्ल्यू नॉट जेड। लिखना कैसे है ध्यान से देखिएगा, डब्ल्यू नॉट जेड लगातार लिखना है डॉट के फॉर्म में। तो एक क्वाड का काम हो गया प्लस पेयर वन, पेयर टू, पेयर थ्री, आगे पीछे हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इसको पेयर वन मान लिया है तो पेयर वन की वैल्यू लिख देते हैं। पेयर वन की वैल्यू क्या आएगी, देखिए कॉमन तो इसमें डब्ल्यू नॉट एक्स नॉट तो दोनों में है, तो लिख लीजिए डब्ल्यू नॉट एक्स नॉट और ऊपर देखिए वाई नॉट जेड नॉट, वाई नॉट जेड, तो जेड जेड नॉट है तो गड़बड़ है, अलग हो रहा है, डिफर हो रहा है, वाई नॉट कॉमन है तो वाई नॉट लिख देते, ठीक है। ये पेयर वन हो गया, अब पेयर टू इसको मान लेते हैं पेयर टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पेयर टू हो गया ये आपका, तो देखिए डब्ल्यू नॉट एक्स तो कॉमन है, तो यहां लिख लीजिए प्लस डब्ल्यू नॉट एक्स और इनमें ऊपर कॉमन क्या है, देखेंगे आप वाई कॉमन है, जेड जेड नॉट हो रहा है, क्लियर। इसके बाद प्लस लगा लीजिए फटाक से, और एक ये बच जा रहा है ऊपर नीचे वाला, तो यहां पे क्या हो जा रहा है आपका, देखिए यहां पे डब्ल्यू और डब्ल्यू नॉट चेंज हो रहा है लेकिन एक्स नॉट सेम है, तो एक्स नॉट लिख लेते हैं, और यहां पर आप देखिए जेड वाई नॉट जेड दोनों में कॉमन है, तो वाई नॉट और जेड, यानी एक्स नॉट वाई नॉट जेड, ये आपका हो गया। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर योर क्वेश्चन, ठीक है। किस फॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, एसओपी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लीजिएगा अपने से, आप 0 1 2 3 कुछ भी वेरिएबल लेकर के आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि यहां पर जैसे ये लिखा हुआ है इस फॉर्म में 0 1 3 6 9 7 9 लिखा हुआ है, तो मैंने नंबर कर दिया आपके सामने, ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, एफ लिखा हो सकता है, एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू सिग्मा फॉर्म में लिखा हो सकता है, क्या हो सकता है, ये जीरो किस तरह लिखेंगे हम, डब्ल्यू नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, डब्ल्यू नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट,
प्लस वन क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड, डब्ल्यू नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड, प्लस थ्री के लिए क्या लिखेंगे, डब्ल्यू नॉट एक्स नॉट वाई जेड नॉट, ठीक है, जीरो जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन जीरो, एक दो दो एक तीन, ठीक है ना, तो ये लिख देंगे, ठीक है। तो इसके बाद प्लस फाइव के लिए, फाइव आपका कहां पे है, यहां फाइव दिखाई दे रहा है, यानी कि डब्ल्यू नॉट एक्स वाई नॉट जेड, डब्ल्यू नॉट एक्स वाई नॉट जेड, तो ये दिख रहा है। इसी तरह से सिक्स सेवन और नाइन, तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो बस ध्यान रखिए, कुछ नहीं करना है, डब्ल्यू नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड, तो यहां पर जहां भी डब्ल्यू नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड है वहां पर वन बैठा देना है, और जहां पर भी डब्ल्यू नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड है वहां पर बैठा देंगे, डब्ल्यू नॉट एक्स नॉट वाई जेड नॉट है तो वहां पर वन बैठा देंगे, इस तरह से। यानी क्वेश्चन अगर ऐसा रहे तो भी उस जगह पर, यानी ये सिंगल सिंगल है, ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वन को कर रहा है, ये थ्री को कर रहा है, ये फाइव को कर रहा है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, और डायरेक्ट नंबर लिखा हुआ क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जैसा भी क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहले बॉक्स बनाना है, उसके बाद नंबरिंग करनी है, यानी बाइनरी वैल्यू उस बॉक्स का लिखना है, फिर उसके बाद उसके वेरिएबल्स को लिख लीजिएगा बढ़िया से, और जहां जहां वन कह रहा है वहां बैठा दीजिएगा, और उसके बाद पेयर क्वाड या ऑक्टेट आप बना देंगे, और उसके बाद उसमें कॉमन ढूंढ करके आप यहाँ पे उसको लिख देंगे, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये बात हुई एसओपी की, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे POS और इसको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस अपने से लीजिएगा, 0, 2, 5, 6, 7, 9 ले लीजिए और बना लीजिए, तीन वेरिएबल का ले लीजिए वो बना लीजिए, ठीक है, तीन वेरिएबल में 7 मैक्सिमम होगा, इसमें 15 मैक्सिमम होगा, दो वेरिएबल में 3 मैक्सिमम होगा, तो आप इस तरह से बनाइएगा और अपने से बना करके क्वाड पेयर ऑक्टेट बनाइए और कॉमन ढूंढ के लिखिए, ये प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।